मौसम बहुत सही है यार, क्या बताऊँ अब इस बारे में। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में आपको पंचहरी का पूरा व्यू नहीं दिखा होगा और इसमें पूरा दिखेगा। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखते जाओ आप सारा व्यू जो मैं दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छी जगह है यार, जितनी बार देखूँ उतनी बार जिससे प्यार हो जाता है। बहुत अच्छी जगह है ये। तो गाइस अभी यहाँ रुके हैं थोड़े फ़ोटो शोटो खींचने के लिए। अच्छी जगह है पर बहुत दूर है, कम से कम 100+ किलोमीटर हमने किया कंप्लीट। इधर सिर्फ एक साइड का ही, अभी जाना भी है वापस। तो चलो पहले फ़ोटोज़ खींचते हैं फिर चलते हैं वापस। एक और तो चलो वापस से अभी चलते हैं घर की तरफ, अपनी राइड कंप्लीट रखते हैं। तो रोड सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आ रही है, बाकी लोकेशन बहुत सही है, व्यू बहुत अच्छा है और विंटर्स में तो स्नो बहुत होती है। और क्या बोलूँ अब, बहुत मज़ा आया। और अभी कुछ करने वाला हूँ, देखते जाना। तो मैं वहाँ पर जब जंप कर रहा था मैं वहाँ गिरने वाला था बट बच गया, थोड़ा कंट्रोल हो गया। तो अभी आ रहा हूँ नीचे। यहाँ पे रोड तो बिल्कुल है नहीं, बहुत ही टूटा फूटा रोड है, बाकी आसपास का व्यू बहुत अच्छा है। बस व्यू के हिसाब से देखो तो बहुत सही जगह है, पर रोड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे अभी जा रहे हैं पर रोड की ही सेम प्रॉब्लम आ रही है हर जगह, जिस जगह भी जाएं हम। अभी यहाँ से व्यू काफ़ी सही दिख रहा है, अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। अभी कभी बादल आ रहे हैं तो कभी जा भी रहे हैं, बट अच्छा है, थोड़ी अभी पहले के हिसाब से थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी जा रहे हैं बस। अभी घर भी यहाँ पे जो मैं देखा हूँ वो सारे ऊपर से, मतलब कि थोड़े इतने पुराने पुराने टाइप के घर हैं यहाँ पे और अच्छे भी लगते हैं कभी देखना इनको। और वैसे तो हम अभी क्या बोलूँ, और ये फंसा दिया हमको इसने, रोड कम है उसकी वजह से। तो अभी निकले हैं वहाँ से क्रॉस करके और काफ़ी सारी डस्ट का सामना, ये रोड टूटा हुआ है यहाँ पे तो बहुत डस्ट का सामना करना पड़ रहा है हमें। ये देखिए आगे जो उड़ाते उड़ाते जा रहे हैं, अभी ना तो पास दे रहा है ना कुछ, हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं कि ज़्यादा डस्ट ना आए ऊपर। तो अभी हमने उसको क्रॉस किया और हम अपनी स्पीड में जा रहे हैं। तो मोड़ काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड नहीं रखते क्योंकि अभी अनजान है हमारे लिए, इतना ज़्यादा अनजान है नहीं बट थोड़ा तो है अभी। तो रोड इस तरह का रोड हो तो यहाँ पे स्पीड में कर्व पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये पत्थर वगैरह स्लिप करे तो कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है, पर फिर भी। तो अभी आज की राइड का जो भी था, मतलब कि पीछे तो आपने नहीं देखा पंचहरी का, पर अभी आप देख रहे हो इस रोड का व्यू जो है। तो आना चाहो तो आ सकते हो बट रोड की एक, और सामने देखो अभी बादल आए हैं तो उसकी वजह से आधे पहाड़ छुप गए हैं बादलों में, आधे धूप में हैं, बहुत सही लग रहे हैं। और जहाँ काम चल रहा है बट रोड तो नहीं है बट नालियाँ बना दी है इन्होंने, रोड पता नहीं कब बनेगा। तो अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँचे थे, तो ये अभी हम एक और ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे
एक बात बताओ मुझे, जो सारी जो जगहें आई यहाँ पे जितनी भी, तो उन सब के नाम कुछ अलग अलग अजीब, तो मैं तो थोड़ा अपने ही स्टाइल में बोल रहा था, तो अजीब से नाम थे कुछ। तो ये आया एक और विलेज कोई, तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हमने उधमपुर वाले आर्मी एरिया में एंटर कर लिया है। तो अभी आपको यहाँ पे हम फिर से रुके हैं, अभी अभी पानी मैं भी पीऊँगा। गाइस अभी ये पीने लगा हूँ। ऑल सेट, हेलमेट ऑन, सेफ्टी। तो पीछे मिसाइल देख रहे हो, बोलो तो उड़ा के ले चलूँ, आज तो उड़ने का मन है और अपने ही मज़े हैं। तो अभी सारा कुछ तो हो गया ऑलमोस्ट, अभी बस थोड़ा सा ही रह गया अपना घर दूर, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी 30 से ज़्यादा आई थिंक, नहीं 30 से नहीं, 30 तो कुछ भी नहीं है। तो अभी एक फिर से ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, पर इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेन तो पेंचेरी रह गया था, वही दिखाना था, तो वो मैंने कवर कर लिया स्टार्टिंग में। अभी जा रहे हैं बस अपने ही मज़े से। तो अभी हमने कुछ सोचा है, अभी आपको दिख जाएगा आगे। तो मैंने कभी ऐसा किया तो नहीं, बट मैं कभी गया भी नहीं वैसे इस जगह, अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम हम रुकेंगे। और ये व्यू जो आता है ना हाईवे से, मुझे बहुत सही लगता है। अगर यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से बादल होते ना तो बहुत ही ज़्यादा सही व्यू हो जाना था ये, पर अभी चलते हैं भाई। हरियाली तो है बट गर्मी बहुत है अभी भी। और ये सामने कट रहा है कि पहाड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखना। तो अभी जाएंगे हम वहाँ ज़रूर, अभी नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, तो हमें भी यहीं जाना है। ओके कोई बात नहीं, तो अभी हम यहाँ पे साइड पे अपनी बाइक लगाते हैं और अभी हम सीधा ऊपर ही चलते हैं, खाना वाना छोड़ो। तो ऊपर चले हैं हम और यहाँ पे हम थोड़ी सी शॉपिंग करने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, आप किसी भी शॉप पे जा सकते हो, जरूरी नहीं इसी शॉप पे हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता किसी का। तो यहाँ जाना हो वहाँ से आप ले सकते हो। तो मैं बस यहाँ आया हूँ, अभी यहाँ से लूँगा एक अपने लिए, तो चलते हैं फिर। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो चाहिए वो लो। भैया गार्लिक वाला देना है। तो मैंने एक गार्लिक वाला ले लिया, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये हमारा सफ़र कंटिन्यू हो रहा है, बस धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं अपने घर के करीब, और सही है सब कुछ। और यहाँ पे ट्रक्स लगे पड़े हैं, रोड आई थिंक आगे ब्लॉक हो चुका होगा, तो ये होता रहता है, अब ब्लॉक तो होंगे ही, आगे बादल बहुत सही लग रहे हैं। तो अभी चल रही है अपनी राइड और अपनी लाइफ भी, ये जजर कोटली वाला फिर से क्रॉस। तो अभी बहुत दूर पहुँच रहे पॉइंट से, और मेरे को एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, जो बंदरों को लोग खाना देते हैं ना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि अगर आप फेंक रहे हो कुछ तो वो रोड में ही फेंक देते हो आप, थोड़ा साइड पे फेंकोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो गाड़ी के नीचे भी आ सकता है, प्रॉब्लम दोनों को हो सकती है। तो अभी जा रहे हैं बस, अभी हमने टनल्स तो क्रॉस कर लिए, पर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि पहले भी दिखा चुका हूँ, तो बार बार नहीं है अच्छा होता। तो अभी आगे, तो अभी हम नगरोटा से आगे पहुँच चुके हैं बहुत, बस जम्मू हम पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जम्मू वाली साइड में, सीधा अपनी बाइक के पास जाऊंगा, अपनी बाइक को वहां से लूंगा, फिर जाऊंगा घर। ये वाली बाइक भैया ये ले जाएंगे अपने साथ, तो चलो सी यू अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।